जहीर, जहीर, थैंक यू, चाय पीजिए। जहीर मोजा हो गया, मुझे तो बिल्कुल बीनी से इस तरह का रवैया नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं सोची थी खुदा ना हासा पता नहीं क्या कयामत हो। क्या अदब से, तहजीब से, अच्छी तरीके से आई, अदब से बात की। मैं तो बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची सही हो गई। तहमीना ने क्या जवाब दिया? थोड़े दिन देते हैं, बेटे से मशवरा करेगी, देन शी विल गेट बैक, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टेड है। मैं चाहता हूँ कि बीनी की शादी फौरन हो जाए, जल्द से जल्द। हाँ वो तो हो जाएगी, मसला क्या है? मसला है बीनी की शादी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि वलीद की शादी करके इस फर्ज से सुबूदोश हो जाऊँ। वलीद की शादी? उसने आपसे बात की है? बताया किससे करना चाहता है? हाँ, वलीद की पसंद से करेंगे। रूसा से? अच्छी लड़की है वो, जब हमारे बेटी की पसंद है तो हमें ही पसंद कर लेना चाहिए उसे। सब हम कब तक अपने बेटे को दुखी रखेंगे? कहीं तो उसकी शादी करनी है ना, तो फिर उसकी मर्जी से क्यों नहीं? ठीक है। तुम नाराज नहीं हो? नहीं। तुम्हें गुस्सा भी नहीं है? इसका मतलब हुआ कि तुम नाराज नहीं हो। ना मैं नाराज हूं, ना मुझे गुस्सा आया, मैं सिर्फ खुश नहीं। ये क्या बात है? नाराज नहीं हूं, गुस्सा भी नहीं है, बस खुश नहीं हूं। गुस्सा होती तो मैं ला तालुक ही कर लेती, नाराज होती तो इत्तफाक नहीं करती। एक माँ के इकलौते बेटे के लिए कुछ अरमान होते हैं शादी के लिए, वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अरमान, तुम्हारी ख्वाहिशें वगैरह पूरी नहीं हो रही तो फिर वलीद को शादी नहीं करनी चाहिए। माँ की नाराजगी मोल लेके वो कैसे चैन से रह सकता है? रहने दे, ये पुरानी सोच है। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, उसकी पसंद है, उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? इस वक्त उसका सिर्फ रूसा से निकाह होगा। रुखसती तब होगी जब ये पूरी अपनी पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से वापस आएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, तालीम तो अव्वल हासिल करनी है, उसका फ्यूचर है और फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। शुक्र है किसी बात में तो आपने मेरी मानी। कमाल करती है बेगम आप, मैं आपकी बात नहीं मानता तो क्या किसी पड़ोसन की बात मानता? अरे तुम्हारी बात मान के तो मैंने हवाई घर बेचा, यहाँ बंगला खरीदा, बिजनेस शुरू किया। तुम्हें पता है सारे लोग मुझे जन मुरीद कहते हैं, और हमारी जन है कि गिले शिकवे खत्म नहीं होते। मेरी बात सुने जहीर, आपके खानदान में आप जैसा स्टेटस है किसी का? किस तरह से मेरे मशवरे सुनकर, ये जन मुरीदी नहीं है, अक्लमंदी है। तो एहसानमंद होना चाहिए मेरा। ये बात तो है,